सभी पत्रकार बंधुओं को आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर। आपके माध्यम से आज जो विषय हम रखने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो इसके बारे में जब आप सब पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आपका भी मन पसीजता होगा। युवा भविष्य होते हैं, परिवार के भी, प्रदेश के और देश के, और युवाओं से ही इस राष्ट्र का भविष्य बनने वाला है अमृत काल में, जिसके लिए हर सरकार को काम करना है। राज्य सरकार पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से यहां पर युवाओं की आत्महत्या हो रही है, हर बार पढ़कर मन पीड़ित होता है, अत्यंत दुखी होता है, क्योंकि युवाओं के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज संभव कर सकते हैं। उनके सामने पूरा जीवन खुला हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं हार जाते हैं। परिस्थितियां इस तरह से राजस्थान में बनी है कि यहां के राजस्थान के जो नौजवान हैं वो लाचार होते जा रहे हैं। मैं आंकड़े जब देखता हूं तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि राजस्थान के अंदर हर साल 5500 से ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं। इसी साल केवल कोचिंग, और वो भी केवल एक शहर के अंदर, 24 आत्महत्याएं हुई हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक की। उसी शहर में हर साल औसतन 15 आत्महत्याएं होती। अगर मैं उदाहरण दूं, जो उदाहरण आप ही के अखबारों में लिखे हुए थे, तो विष्णु यादव 25 साल का युवक घर आता है इम्तिहान देकर और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डालता है कि वाह रे नौकरी, और आत्महत्या कर लेता है। हिमांशु कटारा 22 साल के युवा घर आते हैं और फांसी पे लटक जाते हैं। भरतपुर की परीक्षा के अंदर विष्णु 21 साल का, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कन्हैया पारिख 28 साल, ये सभी रीट के शिकार, कोई कोचिंग से, कोई रीट से, कोई बेरोजगारी से, पूरे राजस्थान के अंदर अनेकों कारणों से आत्महत्याएं हो रही। अगर युवा भविष्य है और राजस्थान सरकार युवाओं की चिंता करती है तो मुझे बताइए कि इनको 5 ही तो चीजें करनी है युवाओं के लिए। शिक्षा का प्रबंध करना है, परीक्षा का प्रबंध करना है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का प्रबंधन करना है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुए, खेल का प्रबंधन करना है, रोजगार का प्रबंधन करना है। और मैं आपके माध्यम से नौजवानों को बताना चाहता हूं कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो आपका निर्णय है, कोई और तय नहीं कर सकता कि क्या आपका भविष्य होना चाहिए। आपका निर्णय है, आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिस तरह से परिवार के मुखिया की होती है, उसी तरह परिवार का, राजस्थान का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक व्यवस्था बनाकर दें। इतने सारे आत्महत्या होने पर बयान किस तरह के आते हैं, एक तो राजस्थान का पूरे देश में नाम, जो हमारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा शहर है, उसने पूरे देश के अंदर नाम कमाया, नाम बनाया। आज पूरे देश से नौजवान आते हैं राजस्थान के अंदर कोचिंग के लिए, अलग अलग इम्तिहानों की तैयारी करने के लिए। देश के बच्चे पहले जाते थे कोलंबिया, अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर एक शहर अपने आप में उभर कर आया है तो वो राजस्थान की खूबी है, राजस्थान की कमी नहीं है। आप ये सोचिए कि 30 लाख नौजवान आते हैं राजस्थान के अंदर स्पेशलाइज्ड कोचिंग के लिए, ये 30 लाख अगर नौजवान आते हैं तो आप देखिए राजस्थान को लाभ कितना होता है, अर्थव्यवस्था में लाभ होता है, राजस्थान के कल्चर का प्रोपगेशन होता है, राजस्थान का कल्चर दूसरे राज्यों तक जाता है,
हर तरह से राजस्थान की खूबी पूरे देश में फैलती है और अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है, लेकिन ये जो बार बार आत्महत्या हो रही है इसके ऊपर किस तरह के मंत्री हैं जो हमने सरकार में बिठाए हुए हैं, जरा नौजवान इसको सोचे एक बार। एक मंत्री है जो कहते हैं कि बैन कर देना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैन कर देने चाहिए, क्योंकि इनको बैन की आदत है। इन्हीं की पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, इनको हर चीज बैन करनी आती। एक मंत्री जी कहते हैं कि डंडे से ठीक कर देंगे, किसको डंडा मारेंगे, डंडे से ठीक कर देंगे। एक मंत्री जी कहते हैं कि मेघवाल जी कहते हैं कि मोबाइल फोन से ये आत्महत्या हो रही है, तो मोबाइल फोन तो आपकी सरकार बांट रही है, वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा महंगे फोन देकर आप, महंगे फोन खरीद कर आप बिल उसका बढ़ा रहे हो और जनता को वो फोन बांट रहे हो। लेकिन मुझे अचंभा नहीं होता इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना होगा, आत्महत्या रोकने के लिए स्प्रिंग वाला पंखा, कमाल है। मेरे राजस्थान के नौजवानों को एक बार सोचना चाहिए कि किस तरह के, किस लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी राजस्थान की सरकार में पहुंचे हुए हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होती है कि एक व्यवस्था करी जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आप में युवाओं को मदद देने के लिए है, मोबाइल फोन युवाओं को मदद देने के लिए है, पूरा करिकुलम उसमें होता है, दुनिया की जानकारी उसमें होती है। अगर व्यवस्था नहीं कर सकते कम से कम ऐसे असंवेदनशील बयान तो ना दें। रीट पेपर लीक होना, बेरोजगारी यहां पर बढ़ते जाना, व्यवस्था कोई ऐसी नहीं करना कि बाहर से कोई इंडस्ट्री राजस्थान के अंदर आ जाए, ये पूरी की पूरी नाकामी राजस्थान सरकार की है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि शिक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, बेरोजगारी खत्म हो रोजगार बढ़े जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, खेल की व्यवस्था राजस्थान सरकार की, यही तो युवाओं को देना है। अभी खेल भी जो इन्होंने करवाए उसके अंदर वीआईपी समय से नहीं आए, 8 बजे से बच्चे बैठे हुए, 11 बजे खेल शुरू हुआ और एक बेटी की वहां डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये टोटल असंवेदनशील सरकार का नमूना है। और आपके माध्यम से मैं युवाओं को यह बताना चाहता हूं कि आपका भविष्य आप ही तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता, और हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे आगे आपके खुलेंगे। आप भूतकाल में मत रहिए, ना ही भविष्य में रहिए, समस्या वहीं खड़ी होती है। भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य अभी तक पैदा नहीं हुआ। जो आज का समय है वही है आपके सामने, छाती ठोक के जी जान से जिए और अपनी मेहनत करिए, नतीजा आएगा और कल फिर आएगा, एक नया कल फिर आएगा। और मैं माता पिता के से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूरी दुनिया आपके बच्चों को या पूरी दुनिया हर तरह से हर व्यक्ति को जज कर रही होती है, कम से कम आप अपने बच्चों को जज मत करिए। आपके बच्चे जैसे भी हो उनको जज मत करिए, कम से कम आपका और उनका कम्युनिकेशन वार्तालाप खुला रहना चाहिए। आप जज करेंगे आपको नहीं बताएंगे। और मैं तो ये यकीन से कह सकता हूं जब ऐसे ऐसे लोग, और युवाओं के लिए कह रहा हूं मैं, जब ऐसे ऐसे लोग इस सरकार में बैठे हैं जो चंद्रयान के अंदर यात्री तक ले जा चुके हैं अभी से, तो आपका भविष्य तो बहुत शानदार है। फेलियर कुछ नहीं होता। मेरा आग्रह है कि अपने आप पर विश्वास रखिए, नए दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। और मैं आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के राजस्थान सरकार से
कि हमारे नौजवान जो हमारा भविष्य है उनके लिए इस तरह से असंवेदनशील आप अपने कमेंट्स ना दें। जानकारी की कमी है आपको, वो सार्वजनिक ना करें। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इन बच्चों के लिए तुरंत कोचिंग एकेडमीज और साथ में एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी तरह का इम्तिहान हो, उसका सही प्रोसेस हो, काउंसलर्स हो, फोन नंबर हो जहां बच्चे कॉल कर सके, व्यवस्थित करिए। ये व्यवस्थित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, भले ही ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो। राजस्थान के राज्य के अंदर कितने ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन प्राइवेट होने का मतलब ये नहीं कि सरकार उसके लिए कोई नियम ना बनाए। ये इतनी बड़ी मात्रा में जो हमारे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, उसकी सीधी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के ऊपर आती है, और ऐसा आगे ना हो ये राजस्थान सरकार निश्चित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं लेने को तैयार हूं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। शिक्षा को समर्थन देना फाउंडेशन है, बुनियाद है, और उसके बाद आता है रोजगार बढ़ाना। मैं शिक्षा पर आता हूं सबसे पहले, और ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। आप सबको गुरुकुल यूनिवर्सिटी तो याद होगी। गुरुकुल यूनिवर्सिटी राजस्थान की जो सिर्फ कागजों में थी, उसको कहां तक लेकर गई है? ये अपने विधानसभा तक लेकर गए उसको पास कराने के लिए। उसमें एक डायरेक्टर का कमरा भी बन गया था, दफ्तर वगैरह सब बन गए थे, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं था। ये है राजस्थान सरकार का कमाल। ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे कृषि विद्यालय बना दिए, एक ही विद्यालय को डिवाइड कर दिया और कहते हैं हमने बहुत सारे कृषि विद्यालय बना दिए। पेपर की जिम्मेदारी टोटल राजस्थान सरकार की। अब बात करते हैं केंद्र सरकार। आप देखिए कि एम्स कितने सारे बढ़ा दिए हैं। आज की तारीख में एम्स कितने सारे बढ़ गए हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं, आपके अटल टिंकरिंग लैब्स आज 10,000 हैं। अगर आज हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड कर गया है तो कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट को बढ़ावा मिलने की वजह से, और भविष्य के साइंटिस्ट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब से बढ़ावा मिलेगा। जितनी मेडिकल की सीट्स होती थी उसको, आशीष जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, उसको डबल कर दिया गया। जितनी मेडिकल की सीट्स होती थी उसको पिछले 9 साल में दुगना कर दिया गया। आपके हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था कर दी गई, हर जिले में। इसकी कोई 400 से ज्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं। अब अगर मैं शुरू करूं कि किस तरह से रोजगार बढ़ रहा है, आज दुनिया की इंडस्ट्रीज भारत में आ रही हैं, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तैयार होता जा रहा है। राजस्थान के अंदर जो पूंजी निवेश करने आता है वो तो बेचारा अपना पैसा लुटा के जाता है। ऐसे केसेस हैं कि मेरा पैसा वापस लौटा दो क्योंकि इनके चक्कर में मैंने पैसा लगा दिया, ये पार्टनर बन गए कि हम दरवाजे खोल देंगे। आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, तो कोई मुकाबला ही नहीं। जी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो प्रश्न आपने पूछा है, अन्नपूर्णा हुआ या फूड पैकेट बांटना हुआ, हर जगह से ये खबर आ रही है कि उसके अंदर बहुत ही घटिया सामान पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हम अलग से करेंगे, हमारी तहकीकात इसके ऊपर चल रही है, लेकिन आपके अखबारों में, आपके चैनलों में मैं लगातार देखता रहता हूं, इस तरह के कई वीडियोस देख रहा हूं जहां लोग उस पैकेट को खोल रहे हैं
और उसके बाद उनकी जो मन से जो बात निकल रही है वो सुनाई दे रही है कि ये सरकार ने हर तरह से लूटा है। जो फोन भी बांटे गए हैं वो फोन भी लगता है अपने कुछ खास लोगों के साथ बांटे गए हैं, क्योंकि चाकसू जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इन्होंने अपने फिल्टर में कहा था कि हम सबसे पहले एकल महिला को हम ये फोन देंगे। चाकसू के अंदर कम से कम 400 महिलाओं की लिस्ट है जो एकल महिला है और उनके पास फोन अभी तक नहीं पहुंचे। ये तो मैं एक ही जगह की बात बता रहा हूं, अगर इसमें तहकीकात करने लगे तो न जाने कितने लोग मिलेंगे ऐसे। और वो अलग बात है कि इन्होंने बिल बढ़ाया, जो सस्ता फोन था इन्होंने महंगे करके खरीदा, तो लोगों को फोन के बांटने के बहाने ये अपने घर में क्या लेके जा रहे हैं। ये हर जगह लूट है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मतलब लूट और झूठ। जी अभी बात शुरू हुई है, उसको पहले ही दिन यहां पर आकर बोला जाए मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूं, अभी तो एक बात हुई है, अब उसको अगर बढ़ती है तो हम आपके पास आएंगे, आपसे तो हमारा रिश्ता पुराना है। लेकिन मुझे बताइए कांग्रेस के बारे में जो हो रहा है, जो खींचतान हो रही है, वो तो आपके घर घर तक पहुंच गई है ना, और उसकी वजह से राजस्थान लुट रहा है। फर्क देखिए, उसकी वजह से राजस्थान लुट रहा है, इनके चेहरों की वजह से, इनकी जो खींचतान मची हुई है उसकी वजह से। इनको तो अकाउंटेबिलिटी दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है। जी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर कांग्रेस के पास कुछ है तो लेकर आए ना, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले कांग्रेस को। मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूं, हम नहीं छोड़ने वाले कांग्रेस को। कर सकते हैं जो कर लो, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले। जो घोटाला आपने पानी के मामले में कराए, जल जीवन मिशन में कराए, जो घोटाले आपने माइनिंग के अंदर करे, राजस्थान के अंदर जिस तरह से माफिया चल रहा है आपका पेपर लीक का, हम नहीं छोड़ने वाले। अब कर लो जो करना है, अब हुए एक साथ। जी एनी एल्स, इन सब आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हमारे समाज से, हम हमारे हर परिवार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न पर सोच, इस प्रश्न पर चिंतन, जिसकी अकाउंटेबिलिटी उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज 5 साल इनके निकल गए लेकिन इन्होंने एक भी इसके ऊपर चर्चा नहीं करी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदल दी, जिससे हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहता था, जिससे बच्चों को हमेशा परेशानी रहती थी, उस चीज के ऊपर गहन चिंतन करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदल दी। उसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूं कि अगर कोई बच्चा किसी कारण से, जिसपे प्रेशर हो, उसको अपने घर के किसी प्रेशर की वजह से अगर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो पहले तो वो उसको डिग्री भी नहीं मिलती थी और डिप्लोमा भी नहीं मिलता था। आजकल वो अगर पढ़ाई छोड़ के भी जाता है तो उसको डिप्लोमा मिलता है, उस 1 साल का 2 साल का, और फिर वो वापस आ सकता है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगर कोई बच्चा एक विषय में पढ़ाई कर रहा हो, वो अपना विषय चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे पहले से क्या चल रहा था, 10वीं 11वीं 10वीं में डिसाइड हो जाता था कि आप अपने जीवन के अंदर क्या विषय करेंगे।
उसको बदला प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो एक तरफ केंद्र की सरकार इन सब चीजों को बदल रही है, लेकिन राज्य की सरकार इसके ऊपर एक बार भी चिंतन नहीं कर रही। मैं आपको दूसरा यह भी बताता हूं, ये केवल कानून से ही नहीं, इसको सामाजिक तौर पे भी टैकल करना बहुत जरूरी है, और वो भी परिवार का मुखिया ही करेगा। क्यों नहीं आपके मंत्री, अब मंत्री इस तरह से बोलेंगे तो धन्य हो, ये नहीं बोल रहे और आगे से, लेकिन मंत्री जो भी थोड़ा बुद्धिजीवी हो उसको समाज में जाकर ये बदलाव की बात करनी चाहिए कि परिवार में पेरेंट्स क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, ये इसको बदलना बहुत जरूरी है। मैंने दो लाइनें आपके सामने यहां बोली थी, मेरा आग्रह है आप बच्चों तक पहुंचाइएगा वो बात। लाल जी नंबर बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं, और मेरा काम यहां पर आकर सिर्फ पीसी करना ही नहीं है, मेरे आंसू जब निकलते हैं ये सब पढ़कर वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन मेरे को पीड़ा होती है, मुझे यकीन है आपको भी पीड़ा होती है, हर नॉर्मल इंसान को पीड़ा होती है। एबनॉर्मल ऐसे बयान दे ये सत्ता में बैठे, इसे बदलना जरूरी है। आप जिस मंच पर ये बैठे हुए हैं उस मंच पे आप सबने, जनता ने ताकत दी है इनको, संविधान ने इन्हें ताकत दी है, वो ताकत इसलिए दी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बदलना जरूरी है, लेकिन वो करने के लिए उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इनकी प्राथमिकता वो नहीं है, इनकी प्राथमिकता है पैसे कमाना, उस पैसे का जहां इस्तेमाल हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यही इनकी प्राथमिकता है, कुर्सी को बचा के रखना और पैसे कमाना। देखिए कौन सी पार्टी सत्ता में आए ये जनता का अधिकार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि 2023 चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर जबरदस्त बहुमत के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ उनकी सेवा के लिए आ रही है। देखिए अगर कोई एक मिनट में निर्णय करता है तो वो निर्णय इस तरह का होता है कि बैन कर दो, इसके ऊपर चिंतन बहुत जरूरी है। जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर समय लगाकर चिंतन करके कुछ ऐसा लेकर आए कि जिससे सबको फायदा हो और उसको फ्लेक्सिबल रखा गया कि मान लीजिए जैसी बदलती परिस्थिति के अंदर जरूरत हो वो बदलाव उसके अंदर लाना चाहिए, वैसा ही होना बहुत जरूरी है, लेकिन बैन कर दो, मोबाइल फोन की वजह से हो रहा है और उसके बाद हाथ झाड़ लो, बोलो कि ये अब वापस आरोप युवाओं के ऊपर ही तो लगा दिया इन्होंने, युवाओं के ऊपर ही वापस आरोप लगा दिया कि तुम मोबाइल फोन यूज करते हो इसलिए तुम सुसाइड कर रहे हो, पहले मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया तुम बेरोजगार हो इसलिए राजस्थान में रेप ज्यादा हो रहे हैं। ये एक मिनट सोल्यूशन क्या है? जनता के लिए टाइम इतना ही है, एक मिनट का बयान दे दो, उसके बाद वापस अपने धंधे पे लग जाओ। धन्यवाद। लाल सिंह का सवाल तो हो गया, जवाब क्यों क्या अरे नहीं तो मैंने अभी जवाब तो दिया कि एक मिनट में इसके ऊपर चिंतन होना बहुत जरूरी है, इसको सुधार, सिस्टम को सुधार करना बहुत जरूरी है। मैंने सबसे पहले बोला मैनिफेस्टो में मैं नहीं हूं, चुनाव की व्यवस्था करनी है तो आप बताइए। देखिए इसका एक मिनट में नहीं, समाधान होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा भाव समझ सकते हैं तो मैं तो अभी वही बता सकता हूं, समाधान होना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट्स के साथ बैठना, इसको बंद कर देना, ये कहां का तर्क हो गया? अकेडमीज बननी चाहिए यहां पर, ऐसी अकेडमीज बननी चाहिए कि दुनिया के स्टूडेंट यहां पर आए, लेकिन वो अकेडमी अगर हमारा देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य अगर उसके ऊपर असर डाल रही है तो व्यवस्था होनी चाहिए। आप खेल खेलने जाते हैं वहां तो आप कानून बनाते हैं,
कि जहां आप पढ़ने जाते हैं वहां पर भी दिखाना होंगे, लेकिन उसको रोकने के लिए नहीं और सुधारने के लिए। लाल जी, अगर आप मेरे सवाल के उत्तर से प्रसन्न हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो इन्होंने कहा कि कोचिंग माफिया, मैं इतना आपको कह सकता हूं कि जो पेपर लीक में शामिल है वो माफिया है, चाहे वो सरकारों का माफिया हो, चाहे वो किसी एकेडमी का माफिया हो, वो माफिया है और उस माफिया को नहीं छोड़ना चाहिए।